Honorable Chief Guest, Governor Balochistan and President of PRCS, this is retired Mr. Amanullah Khan, our provincial chairman, Akram Shah Saab, dear colleagues, and focal person for hospital renovation and extension, Mr. Bayazid Khan Qasim. I hope I pronounced it right. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Needless to say that it's a huge pleasure to be here. Thank you very much for inviting me. And I congratulate all of you, for especially Bayazid, for supporting this facility, and especially when it is dedicated in the name of our Martyrs. That's something really appreciable. Also, I would like to thank the government of China, the embassy of China, for supporting us. They have always been supporting Pakistan through the thick times, through hardships. And I remember in 2005, when the worst earthquake struck Pakistan, I was also there in northern areas. And I saw my Chinese friends standing shoulder to shoulder and supporting Pakistani people. Then in 2010 and 11 floods, they stood shoulder to shoulder with Pakistani people, supported in all possible capacities in terms of cash and kind. And then, of course, when I joined PRCS, the first person who visited me was the Chinese ambassador, His Excellency. And we made a lot of plans to, you know, strengthen PRCS and to start a lot of projects, including man-to-man contact, people-to-people contact between Pakistan and China. अगरचे वो हो ना सका, पैंडेमिक आ गई, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े बड़े हमने मिलकर उनके साथ बनाए थे. लेकिन पैंडेमिक भी जब आई तो चाइना पीछे नहीं रहा, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया. जब फ्लैश फ्लड्स आए तो उन्होंने सपोर्ट किया. सो हम जितना भी अप्रिशिएट करें अपने उन दोस्तों को जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, वो कम है. बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है हम सब के सामने जहाँ इदारों को मजबूत करने की, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर ले जाने की बहुत सारी स्पेस मौजूद है. इस पर बहुत काम हो सकता है, होना चाहिए था, इससे ज़्यादा हो सकता था. फिर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अभी इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा की जा रही है और अच्छे लोग इन प्लेस हैं. गवर्नर साहब को देखें तो वो बड़े वाइब्रेंट नज़र आते हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो बड़े वाइब्रेंट नज़र आते हैं. मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल हेडक्वार्टर PRCS फुली सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरा ज़ाती पैशन रिमोट रूरल एरिया को डेवलप करना है. जब मैंने सहारा बनाई थी तो सहारा का वर्ड विच स्टैंड्स फॉर सर्विसेज एम्ड एट हेल्थ एंड अवेकनिंग इन रिमोट एरियाज, तो मकसद ये था कि रिमोट एरिया के लोग जो ये कहते हैं, जब वो बड़े बड़े शहरों में तरक्की देखते हैं तो वो कहते हैं कि देख खुर्शीद तरक्की, ज़रा इंसाफ से कह कि मेरे घर में भी तेरी कोई किरण आई है. सो इस इलाके के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो जिनका आज मुझे पता चला कि वो सूखी हुई रोटी लेके चले जाते हैं, पानी में डुबो कर खाते हैं. मेरी आंखों में आंसू थे आज, वाह खुदा. मेरा पहले से ये प्रॉमिस था अपने आप के साथ कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान और इस जैसे इलाकों को हमने ऊपर लेके जाना है और जो भी मुमकिन हुआ हमने इनके लिए करना है. लेकिन आज के बाद मेरा रिजॉल्व और पुख्ता हुआ है कि अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह तो मेरी बड़ी एनर्जीज जो हैं वो इस इलाके के लिए मुख्तस होंगी. और आप देखेंगे अल्लाह ताला जब किसी को कोई पोजीशन देता है तो इंसाफ करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलें. अल्लाह ताला बरकत डाल देता है.
मैं एक सिंगर के तौर पे जाना जाता था, सिंगर्स ने कभी अस्पताल नहीं बनाए थे, लेकिन बाखुदा वो जो तरबियत घर से मिली थी टू सपोर्टिंग द अनप्रिविलेज्ड पीपल, वो काम आई। आज उस अस्पताल जो एक रिमोट रूरल एरिया में पंजाब में, अगर नेशनल परस्पेक्टिव में देखा जाए तो बलूचिस्तान एज अ प्रोविंस रिमोट है, अगर हम प्रोविंशियल परस्पेक्टिव में देखें तो उस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स रिमोट हैं, जहाँ पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं था 40 लाख लोगों के लिए, आज वहाँ पे हॉस्पिटल है, 45 लाख मुस्तहिक मरीजों का वहाँ पे आज तक फ्री इलाज हो चुका है, वी हैव अ मेडिकल कॉलेज, वी आर मेकिंग अ कैंसर हॉस्पिटल। ये अल्लाह कराता है, किसी से भी करा लेता है, उसके लिए सिर्फ नीयत की और कोशिश की ज़रूरत होती है, फल वो लगाता है। सो मेरा ईमान है कि अल्लाह कर्म करेगा, अगर हमने यहाँ पे फैसला कर लिया आज कि हमने बलूचिस्तान और बिलखसूस उसके ऐसे इलाकों को, डिस्ट्रिक्ट्स को उठाना है जिनका जिक्र आज हम बैठ के ऑफिस में करते रहे, जहाँ पे हालात बहुत ही ख़राब हैं, तो अल्लाह मदद करेगा। सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, हमने नीयत और कोशिश करनी है, वो अल्लाह फल देगा। सो एक मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का ममनून हूँ, गवर्नर साहब आपका, आपके साथ मैं मुस्तकिल रबते में रहूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह अच्छा वक्त लेकर आएगा। ये जो हॉस्पिटल हमने आज इनॉग्रेट किया है, इस हवाले से मैं बायजीद साहब से ये कहूँगा कि हमें इनकी शायद मुस्तकिल थोड़ी ज़रूरत पड़ती रहेगी, बिकॉज स्टाफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हॉस्पिटल का, बिल्डिंग से कई गुना ज़्यादा, कुछ इक्विपमेंट भी यहाँ पर हमें चाहिए, उसके लिए मैं भी कोशिश करूँगा आपके साथ मिलके, ताकि हम इसके खदो खाल वाज़ह कर सकें कि ये गायनी स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, और साथ ही साथ हमने ट्रॉमा की फैसिलिटी भी इसमें देनी है, और किस तरह से इसको एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करना है। सो इसका एक बिज़नेस मॉडल तैयार करने की भी हमें बहुत ज़रूरत है। आज पहला कदम आपने ले लिया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़, और इस अस्पताल को एक वाइब्रेंट ज़बरदस्त एक हीलिंग प्लेस ऑफ हीलिंग हमने बनाना है, और उसमें हमें और एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट भी हम यहाँ जल्द बना देंगे, ताकि फंडिंग के जो आने वाले वक्त में इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। NHQ पे मैंने बना दिया है, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कई मुखालिफ थे कि ये कभी चला नहीं है मॉडल, पाकिस्तान में इस तरह लोग फंड्स नहीं देते रेड क्रेसेंट को, 2 महीने में 13 करोड़ हमने इकट्ठा किया उस डिपार्टमेंट। तो अल्लाह करम करता है जब आप एक फ़ैसला करके चलते हैं, हम वो फिर आप 7 और हमने वो बनाने का फ़ैसला किया, उसमें बलूचिस्तान भी एक होगा इंशाल्लाह। ये अल्लाह देता है, लोगों के दिलों में प्यार वो डालता है, सिर्फ उसकी ये शर्त होती है कि आप नीयत ठीक रखें, अपने ऑपरेशंस बिल्कुल ठीक रखें, और जब विजिबिलिटी आती है तो ख़ुद ब खुद हमें सपोर्ट भी आ जाती है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आके, आपने मुझे दावत दी, अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हमें नासिर हो, और PRCS को ऊपर लेके जाएं हमें तौफीक अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। जाने से पहले आखिर पे चाइनीज कोटेशन आए, बड़ी ज़बरदस्त है, गो टू पीपल, लिव विद देम, लव देम, स्टार्ट विद व्हाट दे नो, बिल्ड ऑन व्हाट दे हैव, बट फॉर द बेस्ट लीडर्स व्हेन देयर जॉब इज डन पीपल वुड रिवील दैट दे हैव डन इट देमसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।